अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं हेडलाइन स्टूडियो के साथ। मैं सुरखा अफजर आपका खुश आमदीद करती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में, जहाँ पे अवामी आवाज़ पार्टी के प्रेसिडेंट सुहेल अहमद खान अपने साथियों समेत जो है बीरवा शॉपकीपर्स के साथ यहाँ पे सरापा एहतजाज कर रहे हैं। क्या कुछ एहतजाज का रीज़न है, सीधे इनसे जानने की कोशिश करेंगे। Nepotism, nepotism, favoritism, justice,
देखिए बड़गाम बीरुआ में सोमो स्टैंड सुखनाग सोमो स्टैंड है, वो वहाँ से हटाया गया है। वहाँ पर 400 फैमिलीज़ का रोज़गार है, उनकी शॉप्स है, हमारे भाइयों की शॉप्स है वहाँ पर। देखिए उनको लोन भी है। अब मुझे बताइए, चार दिन से ये बेरोज़गार हुए हैं, इनके बच्चे न कुछ खाया है न कुछ पिया है। हमारी गवर्नमेंट यहाँ से बोल रही है नया कश्मीर हम रोज़गार दे रहे हैं, ये तो रोज़गार हमारा छीन रहे हैं। और वहाँ का जो SDM है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी करप्ट है। और हम चाहते हैं डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ पे आए, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो खुद भी नहीं यहाँ पर आएंगे। हम प्रोटेस्ट करके रहेंगे, चाहे हमें रोड ब्लॉक करना पड़े हम करेंगे। नदीम, कब इनसे ये जो सोमो स्टैंड है वो छीना गया है? जी कब छीना गया है? ये इनको हो गए एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है। आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है हमारी। टोटल कितने शॉपकीपर्स हैं? टोटल 40 है, 400 प्लस है फैमिली, 400 प्लस फैमिली इसका मसला है ये। आप देखिए कैसे लोग हैं यहाँ पर। हमारे देखिए हमारे बुजुर्गान लोग, इनकी उम्र अभी निकलने की है, इनको आराम करने की ज़रूरत है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो टस से मस नहीं हो रही है। यहाँ से बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से नया कश्मीर, कोई नया कश्मीर नहीं है यहाँ पर। हम बीजेपी को ये बोलना चाहेंगे, अगर आप बोल रहे हैं नया कश्मीर तो कहाँ नया कश्मीर, आप तो बेरोज़गारी कर रहे हो यहाँ पर, ऑलरेडी इतनी बेरोज़गारी है यहाँ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो टैक्सी स्टैंड वापस अपनी जगह आए और इनका रोज़गार चले। हमारी सिंपल सी यही डिमांड है। और हमारी डिमांड है कि जब तक डिविजनल कमिश्नर यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमें रोड पे जाना पड़े, चाहे कुछ भी हो, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा ऑफिसर यहाँ ना आए। हमारे साथ एक शॉपकीपर भी जुड़े हैं जो कि बीरवा सुखनाग से आए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है जो इन्हें बीरवा से यहाँ आना पड़ा और ये एहतजाज करना पड़ा। सबसे पहले आपका नाम जानना जी। मेरा नाम शौकत आलमीर जी। आपने ये सरापा एहतजाज किया, क्या वजह है? वजह यह है कि हमारी रेडीमेड शॉप है सुखनाग स्टैंड में, जिस सुखनाग स्टैंड को मुंतकल किया गया एवरग्रीन में, जो टोटली इलीगल है। जहाँ पर उसको मुंतकल किया गया है वहाँ पर जो जिस लैंड पे उसको लगाया गया है वो टोटली फ्लडेड है। जहाँ पर वो नहीं लगा सके, जहाँ पर मैगडमाइजेशन उन्होंने की है, जितने भी बिल्डिंग ये वहाँ बनी है वो मुफाद परसों के लिए, दो चार बंदे हैं वहाँ पर जिन्होंने SDM साहब को ख़रीदा हुआ है या AO साहब को ख़रीदा हुआ है, तहसीलदार साहब को, आप खुद देख सकते हो। आप अभी पे जाओ वहाँ पर, वो वीडियो जो बना हुआ है, वो मिठाइयाँ बाँट रहे हैं वहाँ, खाना खा रहे हैं होटल में। जो भी पैसे उन्होंने लिए हैं या चाहे कुछ किया हो, जितने भी इलीगल तरीके से उन्होंने ऑर्डर निकाला है वो खुद निकाला है AO साहब ने। AO साहब ऐसे फैसले सुनाएंगे कश्मीर में, तो हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है कौन?
ये साहब ने 400 फैमिलीज़ को ऐसे ही 400 फैमिलीज़ के पीछे देखो कितने हमारे घर में बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं या चाहे अपने बीवियाँ हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ वो कहाँ से आएंगे, हमारे लोन्स भी है, हम किस्तें कहाँ से लाएंगे। कब से वो सोम स्टैंड वहाँ? अभी एक हफ्ते से हम ऐसे ही बैठे हैं। वो सोम स्टैंड वहाँ कब से? वो 40 साल से है वहाँ पर। तो आज हमसे छीना गया? आज हमसे छीना गया, अचानक छीना गया। वो झूठ बोल के वो बोल रहे थे कि हमें सफाई करनी है, सफाई के बाद वो फिर आ जाएगा ऊपर ही अपनी सुखनाक स्टैंड में। टोटल कितने शॉपकीपर्स का? 400 प्लस शॉप्स है वहाँ पर। आप हमें बताएं अगर आपकी ये डिमांड पूरी नहीं होगी तो क्या रहेगा आपका? अगर ये डिमांड हमारी पूरी नहीं होगी तो हम हर जगह पर हम रोड ब्लॉक करेंगे, चाहे डीसी ऑफिस के पास धरना देना पड़े, अगर हमको जम्मू भी जाना पड़े हम जम्मू भी जाएंगे। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से या चाहे ड्यूकॉम से या जो हमारे डीसी साहिबान हैं वो भी खुद नोटिस लें। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है, ऊपर से कोई ऑर्डर आया हो तो आप ऑर्डर कापी निकालें ना, पहले लोगों को अवेयर कीजिए ना। तो ये फेक, टोटली फेक है। वो आते हैं पुलिस को साथ लेके आते हैं, फिर नीचे लगाते हैं सोम स्टैंड को और खाने जाते हैं होटल में, वहाँ पैसे लेते हैं। ये साहब खुद मिठाई बांट रहे हैं, जो एसडीएम साहब ऊपर से बोल रहे हैं कि यहाँ पर आर्मी ने हमें कुछ बताया कि हमें जाम हो रहा है, यहाँ से जो ट्रैफिक गाड़ियाँ गुजरती है प्रॉब्लम होती है। आप जाइए, खुद जाइए, मीडिया लेके जाइए वहाँ पर, आप देखिए जहाँ पर उन्होंने मुंतकल किया उस अड्डे को, आप देखिए खुद ही वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी। शुक्रिया। के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर बुज़ुर्ग भी आए हैं जिनकी बहुत सालों से वहाँ पे शॉप्स है, इनसे भी जो है वो इनका हक छीना जा रहा है, तो इनसे जाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चाहते हैं। अंकल क्यों छूते ना? जना मे ना अब्दुलजी शेख। कूतः टाइम छूत गुमत तन दुकानस? मे गई 10 वरी। 10 वरी चुस बे तथा दुकान कर। मसल अगर मसल वनो तेल मसल मसल वसल ये आमित योतन बेहन खुद तेज नो तोतान योतान मसल हल ग। अगर इन सोम स्टैंड नुन उस वे ओर दह ब्रो 10 दह ब्रो अमो सोम स्टैंड अगर अस प्रॉब्लिंग अहन सोम स्टैंड प्रॉब्लिंग दिस जाए इमो मुंतकिल कूर तथे वो तुम कचा प्रॉब्लिंग जनाब तुम वो तथे कचा प्रॉब्लिंग इस प्रॉब्लिंग हूं कहें ओर हथ दुकानदार अतनस दुकान कनान अच्छा यो पे दसलब कर्मुत कहें टोटल दसलब कर्मुत सह गो हथ रोपि या जो हथ रोपि जीनमित कहें तेज तक खाली सोरे गुमत अतनस जनाब बस अस ग स्टैंड गुन वापस जनाब टोटल गटैंड वापस गुन तोतान नो नी अगर मसल हल ग आपको इसी में बैठेंगे 4 दिन में इसी में बैठेंगे। चलो शुक्रिया अंकल का। तो नाज़रीन आपने सुना इनकी डिमांड्स क्या है जवानों के साथ साथ यहाँ पे बुज़ुर्ग भी आए हैं और इनका यही कहना है कि इनके साथ जो है काफ़ी नाइंसाफ़ी की जा रही है, इनसे सोम स्टैंड छीना गया जिसकी वजह से इनका रोज़गार चल रहा था। तो इनकी अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि वो सोम स्टैंड वहाँ पर वापस लाया जाए और इनकी जो डिमांड्स है वो पूरी की जाए। आगे भी जो कश्मीर के हवाले से आप तक रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।